हेलो यस सर. सो सर मैं एक स्टूडेंट काउंसलर हूँ एंड एवरी डे मैं मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को काउंसिल करता हूँ. मेरा एजुकेशन रिलेटेड सवाल है कि आज के युवा मतलब हम लोग 50 से 60 लाख रुपए लोन उठा के पढ़ाई करते हैं. आई डिड माई MBA फ्रॉम कैनेडा एंड आई केम बैक एंड राइट नाउ आई एम काउंसलिंग स्टूडेंट्स. सो सवाल ये है कि हम 50-60 लाख रुपए लगा के आज अगर हम जॉब मांगने जाते हैं तो हमें 20,000 की जॉब नहीं मिलती. और स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स अभी आपकी पार्टी का काम हमने दिल्ली में देखा है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम हमारे देश के लिए कुछ कर पाए. आई केम बैक फ्रॉम कैनेडा कि मैं अपने इंडिया में कुछ कर पाऊं अपने देश के लिए, लेकिन हमें ना जॉब मिल पाती है, ना हमें उस लेवल की ग्रोथ मिल पाती है, ना पकड़ मिल पाती है, ना पावर मिल पाती है कि हम कुछ कर पाए. और यहां देखा जाए तो दूसरी पार्टीज की इतनी ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस है कि वो किसी को भी ऊपर आने नहीं देते. तो ये चीज का हमें एक सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से कि जो यूथ है, जो यंग है, आज 1000 बच्चों को मैं काउंसिल करता हूं, उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि हम फ्यूचर में इंडिया रहकर क्या करें. 1000 बच्चों में से 800 बच्चों को कैनेडा, यूएसए, अमेरिका जाना है. क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको इंडिया में ग्रोथ नहीं है. तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे इंडिया में रहके इंडिया के लिए कुछ करें और उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए सर. जैसे कि वैसे ज्यादातर तो सुराना जी ने इस बात को क्लियर कर दिया, मेरी बच्ची को LC दिया गया बीच में ये बोल के कि फीस आपने नहीं भरी. फीस का मुद्दा गवर्नमेंट लेके आई थी 2017 में कि भाई आपको 15, 25 और 27 फीस आपकी प्राइवेट स्कूलों की होगी. वो मुद्दा आगे पब्लिक में चला गया, उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं है. स्कूल बोलता है FRC में जाओ, FRC बोलती है DO में जाओ, DO बोलता है कहीं जाओ, DO तो साफ बोलता है मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मेरे को तो है, मैं LC लेके गया हूं, मैं सार में धक्के खा रहा हूं एक हफ्ते से, मेरी बच्ची घर पे बैठी है, वो रोज सवाल पूछते पापा मैं कब जाऊंगी, पापा मैं कब जाऊंगी. मैं स्कूल में एक हफ्ते से चक्कर काट रहा हूं. मैं उनको बोला भाई आप फॉरवर्ड डेट का लेके इसको आप कंप्लीट कर दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं है. कहीं पे मैं जा रहा हूं हाथ जोड़ रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं है. बोले तेरे पे जो होता वो कर लो. वो टारगेट करते हैं हम लोग 2000 पेरेंट्स से जो आगे आता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं. सुराना जी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसके बाद मैं आगे आया मेरे खिलाफ कर दी, जो आगे आएगा उसके खिलाफ उसका एक्शन हो जाएगा. स्कूल बोलता है बोले तुम पे जो होता वो करो, प्रशासन बोलता है हमें कुछ नहीं पता. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 27 साल से तो भाजपा है यहां पे, उसके पहले कांग्रेस थी, कभी किसी भी पार्टी ने चुनाव के पहले चुनाव के बाद सरकार ने कभी आपसे ऐसे आमने सामने बातचीत करी आपकी समस्याएं जानने के लिए? धमकाते हैं बस, कभी आज तक बातचीत नहीं करी. ये पहली बार हो रहा है. पिछले 6 महीने से मैं गुजरात आ रहा हूं. हमने आज हम टेक्सटाइल के ओनर्स के साथ, कर्मचारियों के साथ बात कर रहे हैं, कई सारे पेरेंट्स आए हैं उनसे बात कर रहे हैं. हमने अलग अलग मुद्दों पे गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाके जनता के साथ बातचीत करी, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश करी कि क्या समस्या है, तभी तो समाधान निकलेगा. आज जिस तरह से हम इस चुनावी कैंपेन के अंदर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपकी समस्याएं समझ के उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी बातचीत के जरिए जैसे चुनाव चल रहा है. हम जैसे चुनाव के दौरान आपसे बातचीत कर रहे हैं वैसे ही चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे. और जैसे वो लोग चुनाव के पहले भी आपसे बात नहीं करते, वो चुनाव के बाद भी आपसे कभी बात नहीं करते. तो मैं सीधे सीधे मुद्दों पे आता हूं. सबसे पहली चीज है, जिस समाज में व्यापारी
खुल के निडरता के साथ व्यापार नहीं कर सकता, वो समाज की अर्थव्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। वो समाज गरीब ही रहेगा, वो समाज अमीर नहीं बन सकता। अमीर तो तभी बनेगा जब व्यापार आदमी खुल के करेगा, बिना डर के करेगा। आज आप लोगों ने यहां इतने सारे लोगों ने आने की हिम्मत करी, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। पता नहीं कितने आप में से कितने लोगों के नोटिस वोटिस आ जाए, रेड वेड हो जाए, है कि नहीं है। ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा इन्होंने, ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल हमारा एक कार्यकर्ता नीचे सड़क के ऊपर रेड़ी पे कुछ खाने के लिए गया, उसको भूख लगी थी, तो रेड़ी पे खाते खाते उसने पूछा किसको वोट करोगे भैया, बोले भाजपा। फिर बैठ गया वो वहां पे, स्टूल पड़ा था, स्टूल पे बैठ के खाने लगा, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद रेड़ी वाला कहता है कि सर हमारी पूरी गली झाड़ू को वोट दे रही है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूं। सो उसने पूछा भाई भाजपा क्यों बोला, बोला सर आप शक्ल से भाजपा वाले लग रहे थे, मैंने सोचा मारोगे मेरे को। बताओ एक आम आदमी गुजरात के अंदर ये नहीं बता सकता कि मैं इसको वोट दे रहा हूं कि उसको वोट दे रहा हूं, क्या डर का माहौल है गुजरात के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा जी, मैं तो अब ये कह रहा हूं कि सड़क पे ये जो सर्वे करने वाली कंपनियां आ रही हैं पूछने लोगों से, जितने भाजपा बोल रहे हैं वो वोट झाड़ू को देने वाले हैं, और देख लेना कुछ चमत्कार ही होने वाला है इस बार, परिवर्तन। तो सबसे पहले तो आपका डर खत्म करूंगा मैं, हमारी सरकार बनेगी निडरता से काम करना, किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। किसी का कुछ छीन के खा रहे हैं क्या, अपना काम कर रहे हैं, 24 घंटे खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी मनोज केजरीवाल जी ने कहा 18 साल से इन्होंने अपने मां बाप को नहीं देखा था, मां बाप को छोड़ के और यहां पे काम करने आए, और उसके कितने लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के 24 घंटे मेहनत करते हैं कि 2 पैसे कमा जाए, और उसके बाद ये इतनी गुंडागर्दी करते हैं। इस गुंडागर्दी से सबसे पहले मुक्ति दिलाएंगे, आप खुल के काम करना। सम्मान देंगे आपको। मैं बहुत बड़े बड़े व्यापारियों से मिला, सब कहते हैं जी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन जैसी ये सरकारें हैं, सरकारें ऐसे करती हैं जैसे कोई हर व्यापारी चोर हो, इस तरह से ट्रीट करती हैं। टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी, ये भी वो भी ऐसे करते हैं जैसे कोई चोर हो। एक व्यापारी 24 घंटे मेहनत करके अपने घर के बच्चों के लिए पैसे कमाता है, उसमें से टैक्स देता है, दान पुण्य का काम करता है, धर्म का काम करता है, समाज को पालता है। तो सबसे पहले आपको डर दूर करेंगे, दूसरा आपको पूरी तरह से सम्मान, तरह तरह से सम्मान दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि हमें गर्व है, देश को गर्व है आपके ऊपर। रेड राज बंद करेंगे, दिल्ली में बंद कर दिया रेड राज, कोई इंस्पेक्टर रेड मारने नहीं जाता, किसी डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्टर किसी को नहीं भेजते हम। मेरा अपना यह मानना, ये जितने रेड मारने जाते हैं ये कोई व्यापारी से टैक्स लेने नहीं जाते, ये अपने लिए अपना घर भरने के लिए जाते हैं, वसूली के लिए जाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा जी, 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उस टाइम दिल्ली का 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, हमने सारी रेड बंद कर दी। मेरे को कई अफसरों ने कहा जी ये रेड मत बंद करो, ये व्यापारी चोर हैं, ये टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा भरोसा रखो, व्यापारी खुद मन मर्जी से टैक्स देना चाहता है, वो चाहता है सरकार तंग ना करे। आज भाई साहब 75,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया मेरा 7 साल के अंदर बिना रेड के। तो आपकी सारी रेड बंद, कोई इंस्पेक्टर आपको तंग करने के लिए नहीं आएगा। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा निकल के आई कि पैसे की धोखाधड़ी, माल ले जाते हैं और पैसा नहीं आता, पूरा का पूरा पैसा लुट जाता है, पैसा फंस जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से मैंने सुने हैं कि ऐसी कई पार्टियां आई, 4-5 महीने तो अपनी गुडविल बना लेती हैं मार्केट में, पहले 2 करोड़ का काम किया, फिर 4 का किया,
और फिर एकदम से 20 करोड़ का काम करके और सारा सामान लेके और गायब हो जाती है मार्केट से, होता है कि नहीं होता ऐसे? और कई लोग इस तरह से डूब चुके, उनका सारा पैसा फंस चुका। इसके लिए स्पेशल कानून लेके आएंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे इसके खिलाफ।